तो यार गाइज ये है ना, ये है नाजी बम यानी कि सूतली बम, जिनको वीआईपी बम भी बोलते हैं। हम सब ने बहुत जलाए हैं, लेकिन आज इनको काट के देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। तो हमारे पास दो हैं, तो पहले इनको इस वाले को खोल लेते हैं, इसको काट देते हैं, इसके अंदर क्या होता है। ये इसके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा, ये सूतली बम बोलते हैं तो इसके चारों ये सूतली बहुत ज़्यादा होती है गाइज। तो एक बार इनको खोल लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर का जो मेटेरियल है वो किस प्रकार से है। तो ये कुछ इस प्रकार से खुल जाएगी और ये जो ग्रीन ग्रीन कलर होता है ना, इसके बाहर के बाहर की साइड होता है, अंदर की साइड नहीं होता है, ये देखिए। और इसको खोलने के बाद पता चलेगा इसके अंदर क्या है। तो गाइज कुछ इस प्रकार से होता है इसके अंदर, ये देखिए एक बत्ती लगी है और एक ये गत्ते का बॉक्स है, छोटा डब्बा, और ये सूतली निकलती है इसके बाहर के। तो अब इसको काट के और देखते हैं कि इसके अंदर कितना बारूद होता है। पहले तो इस बत्ती को बाहर निकाल लेते हैं और देखिए इतनी बड़ी साइज़ का है, तो इसको काट के देखते हैं कि बारूद कितना होता है इसके अंदर। तो यार ये देख सकते हो आप, डब्बे की जितनी साइज़ होती है उतना बारूद होता नहीं है इसमें, बारूद तो थोड़ा सा है। देखिए ये देखिए गाइस, इसमें केवल इतना सा बारूद होता है खाली, बाकी ये सारा का सारा खाली होता है और कुछ नहीं होता। तो एक बार चलिए दूसरे के वाले को और खोल के देख लेते हैं, इसको करते हैं साइड में गाइज, इसको और खोलते हैं और फिर क्या करेंगे, इसको खोलने के बाद इसको सूतली से बाहर निकाल के फिर इसको जला के देखेंगे कि इसकी साउंड कैसी होती है। वैसे तो आप सबको पता है कि सूतली बम की साउंड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन डब्बे से बाहर निकलने के बाद इसकी साउंड कैसी रहती है ये और चेक करेंगे, इसको जलाने के बाद ही पता चलेगा ना। वो तो एक बार इसको डब्बे से बाहर निकाल लेते हैं। इसके अंदर भी इतनी सारी सूतली निकली है और इसके अंदर ये डब्बा निकला है और बाकी ये भी, इसमें भी थोड़ा सा बारूद है, ज़्यादा नहीं है, और ये इसकी बत्ती है। तो अब इसको जला के देखते हैं कि ये भी उस वीआईपी जितनी साउंड करता है या फिर उससे कम करता है या फिर ज़्यादा करता है। ज़्यादा तो नहीं करेगा वो फिर, सॉरी ज़्यादा तो नहीं करेगा, जाहिर सी बात है कम ही करेगा, क्योंकि ये चारों तरफ ही होता है ना, तो इससे साउंड ज़्यादा हो जाती है इसकी। फिर भी इसको जला के देखते हैं कि कितनी साउंड करता है। तो गाइज अब इसमें आग लगा के देखते हैं कि सूतली बम सूतली हटाने के बाद कैसी साउंड करता है। तो भाई वो बत्ती थी इसकी जल चुकी थी भाई, लेकिन हमारा पटाखा नहीं जल पाया, तो हमने इसमें एंटर लगा दिया। अब लगाते हैं इसमें आग और फिर अब देखते हैं कि कैसी साउंड करता है ये। एंटर लगाने का ये फ़ायदा होता है, आपको दूर तक भागने का मौका मिल जाता है, तो आप एंटर यूज किया करिएगा। तो यार गाइस, मतलब सूतली बम की बत्ती खोलने के बाद कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब बचता नहीं है वो, बत्ती से ही जलता है। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी। बाय।